गुड मॉर्निंग बच्चों, ये एडिटोरियल का आपका सेकंड सेशन मेरा आपके साथ हाजिर है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूंगा कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लूं। वर्ब के कॉन्सेप्ट पर मेरी जो वीडियोस हैं वो पढ़ने लगे हैं, कल शाम को 7 बजे उनको मैंने प्रीमियर किया हुआ था, और ये 7 पार्ट्स में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वर्ब के कॉन्सेप्ट पे, जिनमें वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स से संबंधित जितने भी प्रकार की एरर्स आपको दी जा सकते हैं या आज तक एग्जाम्स में जो दी गई हैं, वो सारी मैंने कॉमन एरर्स के रूप में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के रूप में और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दी हुई है। आप इन्हें रेगुलर ज्वाइन करिए, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, मीन्स इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए आप। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर जितने भी सेंटेंसेस अब तक दिए गए हैं, चाहे वो कॉमन एरर्स के हों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हों या सेंटेंस फिलर्स के हों, वो सारा मैं आपको करा दूंगा। ऐसे चैप्टर वाइज अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो विश्वास करिए बच्चों, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मीन्स आगे किसी भी टॉपिक पे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में होगी, तो वो जरूर ज्वाइन करें। ये आज एडिटोरियल मेरा दूसरे सेशन का है और इस पर एक्सरसाइज आपको हो सकता है, कोशिश मैं कर रहा हूं सुबह मैं आपको एडिटोरियल दूं और शाम को उस पर मैं एक्सरसाइज दे दूं, ताकि उसी दिन वो चीज आपका क्लियर हो जाए और एडिटोरियल रोज आपको पढ़ने को मिल जाए। ऐसा हो सकता है एक्सरसाइज किसी दिन इधर उधर हो जाए, बट जो एडिटोरियल है वो इस तरह से रोज आप पढ़ सकते हैं, और शाम को 6 बजे मैं कोशिश करूंगा 6 बजे उसकी आपको एक्सरसाइज कॉमन एरर्स के रूप में, वर्ड पावर के रूप में, आगे मैं उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह भी ऐड कर दूंगा, ताकि आपके पास एक कंप्लीट पैकेज रहे कि एडिटोरियल पढ़ने का हमको ये फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए आज का सेकेंड सेशन हमारा क्या है वो देखते हैं एडिटोरियल के रूप में। चलिए ये देखें, लिखा है विद द ग्लोबल एंड नेशनल ऑर्डर इन रीसेट मोड। देख रहे होंगे, इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर द स्टेट टू इग्नोर इट्स क्रोनिक इश्यूज। ये हेडिंग है आपकी, यानी जो एडिटोरियल आज का है, जो शायद 25 अप्रैल का ही है, उसमें आपको इस मुद्दे पर, यानी एक तरह से बिहार के मुद्दे पर है जिसके बारे में आपको पूरा एडिटोरियल दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसे पढ़ें, उससे पहले जितने भी इस पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या कर लें, आप देख लें पहले, ये देख लें, इससे आपको समझ में आएगा और आसान हो जाएगा। ये देख लें, जो पहला एडिटोरियल का सेशन था उसमें जो वर्ड्स के फॉन्ट थे वो थोड़े छोटे थे, तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी इनकन्वीनियंस फील हुआ होगा, अभी मैंने इनको बढ़ा दिया है तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम इसकी ना हो। चलिए वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड आपका है ग्लोबल। ग्लोबल मीन्स कुछ जो यूनिवर्सल है, मीन्स प्लानिटरी है, मीन्स वैश्विक है, जो चीजें दुनिया भर से संबंधित होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, ग्लोबल होती हैं। जैसे ये ग्लोबल महामारी है, मीन्स वैश्विक महामारी है। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रोनिक। क्या है क्रोनिक? क्रोनिक में जानते होंगे पुराना होता है, कोई चीज जो जीर्ण अवस्था में हो, लॉन्ग स्टैंडिंग हो, प्रिस्टाइन हो, वह पुराना होता है, मीन्स ओल्ड होता है। जैसे कोई डिजीज किसी के है बहुत पुरानी है, तो डिजीज क्या है बच्चों, क्रोनिक डिसीज है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मच टाउटेड। मच टाउटेड मीन्स बहुत प्रचारित, जिस चीज का बहुत अधिक प्रचार किया गया हो, जो स्प्रेड हो गया हो, अर्थात जिस चीज के बारे में बहुत प्रचार प्रसार कर दिया गया हो, वो मच टाउटेड टाउटेड है, अर्थात जिस चीज का बहुत प्रोपेगेंडा फैला दिया गया हो वो मच टाउटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्पिरिट। बच्चों यहां पे मैंने एक सेंस में आपको स्पिरिट दिया है, सेंस फीलिंग के सेंस में, यानी भावना के सेंस में, लेकिन आप जानते होंगे स्पिरिट दो और होता है, एक स्पिरिट मीन्स आत्मा होती है, जानते होंगे आप, और एक स्पिरिट जो केमिकल होता है इंजेक्शन लगाने पे लगाते हैं, उसे भी स्पिरिट कहते हैं। इसी स्पिरिट में अगर आप एस जोड़ देंगे ना,
तो स्पिरिट्स में इनसे उत्साह हो जाता है। जो आदमी का एक एंथुजियाज्म होता है वो भी उसका स्पिरिट्स होता है। जैसे द प्लेयर्स वर फुल ऑफ स्पिरिट्स, यानी खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए थे। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है फेडरलिज्म। आप जानते होंगे हमारा जो देश है भारत, वो फेडरलिज्म के तर्क पे चलता है, अर्थात संघवाद के तर्क पे चलता है, अर्थात संघ की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग राज्यों में क्या है, डिवाइडेड है। दिस इज फेडरलिज्म, जो फेडरल से बना है। नेक्स्ट वर्ड है हालो। ध्यान रखिएगा, जब एच ए डबल एल ओ डब्ल्यू होता है तो उस हालो मीन्स पवित्रता से संबंधित होता है, लेकिन जब ये एच ओ डबल एल ओ डब्ल्यू होता है तो हालो मीन्स वाइड, एम्पिटे या फैलो, मीन्स खोखला हो जाएगा। ठीक है, जो चीज खाली हो, हालो हो, वो खोखला है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्लेयरिंग। एक ग्लेयरिंग होता है चकाचौंध से भरा हुआ, ठीक है, लेकिन इस एडिटोरियल में जो ग्लेयरिंग का अर्थ दिया गया है वो क्लियर से या अपीयरेंस से संबंधित है, मीन्स चमकता हुआ या अस्पष्ट। मैंने दोनों दिया है, चमकता हुआ भी अस्पष्ट के रूप में भी मैंने दिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टार्क। ठीक है, स्टार्क मीन्स अटरली कंप्लीटली, मीन्स सरासर पूरी तरह से, नहीं कहते वो निरा बेवकूफ है, मीन्स इज स्टार्क इडियट, दिस इज हियर स्टार्क। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रोपेगेंडा। अक्सर आप सुनेंगे लोग कहते हैं देखो प्रोपेगेंडा मत फैलाओ इस चीज का, मीन्स इस चीज का पब्लिसिटी मत करो, अर्थात इसका प्रचार प्रसार मत करो। ठीक है, और वर्ड्स हैं कुछ देख लें आप, ये वर्ड्स आपके पास हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है बच्चों? पार्टीशन मीन्स आप कह सकते हैं प्रिजुडिस्ट जो होता है, जो पार्शियल होता है, मीन्स जो पक्षपातपूर्ण होता है वो पार्शियल होता है, मीन्स पार्टीशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग मीन्स स्लगिश, लेथार्जिक, अर्थात जो सुस्त हो बिल्कुल, वो लैंग्वेजिंग होता है, लैंग्वेज्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रोज। थ्रोज मीन्स एगोनी, मीन्स दारुण वेदना, बहुत अधिक कष्ट, जो चीज संकट में होती है वो थ्रोज में होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटब्रेक। आउटब्रेक इरप्शन या आउटबर्स्ट के सेंस में प्रकोप के रूप में है, लेकिन अगर कोई चीज उत्पन्न हो रही, पैदा हो रही है, तो वो भी आउटब्रेक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फिस्कल, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका है। फिस्कल मीन्स फाइनेंशियल, मीन्स राजकोषीय, वित्तीय। नेक्स्ट वर्ड आपका है अलूसिव या अलूसिव भी पढ़ सकते हैं। जो चीज अलूसिव होता है वो मिसलीडिंग होता है, डिसेप्टिव होता है, मीन्स भटकाने वाला या छल से भरा हुआ या मायावी होता है। जैसे वो मायावी राक्षस था तो वो अलूसिव जायंट था वो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका फ्यूडल। फ्यूडल मीन्स सामंते, जो सामंतवादी प्रथा के लोग होते हैं वो फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं देख लें, ये वर्ड्स हैं आपके एक्सोडस। एक्सोडस वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में कई बार दिया गया। एक्सोडस क्या होता है? आउटफ्लो, गश, मीन सामूहिक गमन। जैसे कोई ग्रुप है और उसमें लोग समूह के रूप में बाहर निकल रहे तो वो एक्सोडस हो रहा है। जैसे अभी लेबरर्स आपके यहां है और वो बिहार में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और समूह के रूप में वो दिल्ली या मुंबई या गुजरात पलायन कर रहे हैं तो वो एक्सोडस कर रहे हैं। वैसे यहाँ की सरकारों को भी सोचना चाहिए, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को, कि आखिर यहीं के मजदूर वहां क्यों जाते हैं, वहां के मजदूर यहां पर क्यों नहीं आते हैं? समझिएगा मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है ग्रिम। जो चीज ग्रिम होती है बच्चों वो फ्राइटफुल होती है, फियर्स होती है, आफुल होती है, मीन्स भयंकर होती है। जैसे वो ग्रिम डिजीज से पीड़ित है, मीन्स बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित है, परिस्थितियां बहुत ग्रिम है, मीन्स बहुत भयंकर है। ये भी वर्ड आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स परमिएबल, मीन्स पेनेट्रेबल, मीन्स जो चीज आसानी से चपेट में आ जाए बच्चों वो वल्नरेबल है, अर्थात जिसका शिकार आसानी से किया जा सकता हो वो वल्नरेबल है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें आप, समय के आगे सब लोग वल्नरेबल है, मीन्स बिफोर टाइम
ईच एंड एवरी वन इज वल्नरेबल. क्यों? क्योंकि समय हर एक को अपनी चपेट में ले लेता है. चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है अपैथी. अपैथी क्या होते हैं? जब किसी चीज से इंडिफरेंस हो जाए, डिस्पैशन हो जाए, तो आपके अंदर एक अपैथी आ जाती है, मीन्स एक प्रकार की उदासीनता आ जाती है. नेक्स्ट वर्ड आपका है सेलेक्टिव अप्रोच. अगर आप सुनते होंगे अक्सर बहुत सारे केसेस में आप सुनेंगे कि फला लोग इस मामले में सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं. सेलेक्टिव अप्रोच वास्तव में है क्या? जैसे आप अपनी सुविधा अनुसार अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं. जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ कहीं पर और आप वहां पर चले गए और आपने उनका रोना धोना शुरू कर दिया कि इनका मर्डर क्यों हुआ, तो आपने वहां तो अपना रुद्र विलाप दिखाया आपने, लेकिन कहीं और पर भी मर्डर हुआ और वहां पर आप नहीं गए तो मर्डर तो वो भी था ना, मर्डर ये था, तो यहां आप अपना क्रोध प्रदर्शित करने के लिए चले गए थे कि मर्डर क्यों हो गया, कैसे हो गया, सरकार की विफलता है, और मर्डर वहां पर हुआ लेकिन वहां पर आप नहीं गए. इसका मतलब आप एक सेलेक्टिव अप्रोच अपना रहे, अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार आप अपना मानक, अपना स्टैंडर्ड बना ले रहे हैं, अपना क्राइटेरिया बना ले रहे हैं कि हाँ यहां पर आपको जाना है और यहां पर जाने पर आपका नुकसान है, इसलिए यहां पर नहीं जाना है. दिस इज योर सेलेक्टिव अप्रोच, जो आजकल के नेता वगैरह बहुत अपनाते हैं, वैसे ग्रुप्स भी, लोग भी अपनाते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है डिजास्टर्स. जानते होंगे ये डिजास्टर से बना है आपका, तो कोई चीज कैलामिटस है या कैटास्ट्रोफिक है तो वह विनाशकारी है, मीन्स वो डिजास्टर्स. ये सारी वर्ड तैयार करिएगा बच्चों, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे. वैसे फिर मैं कहूंगा जो भी बच्चा द हिंदू के वर्ड पावर को तैयार करता है, स्पेशली वो एसएससी वगैरह में कभी भी असफल नहीं हो सकता. विश्वास करें वर्ड पावर के रूप में उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एसएससी में, स्पेशली एसएससी में कह रहा हूं, एसएससी रख लीजिए, सीडीएस रख लीजिए, एयरफोर्स रख लीजिए, इन सब के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं नॉर्मली वो द हिंदू यूज करता है, या ये कहिए द हिंदू वही वर्ड्स यूज करता है जो हम कॉमन सेंस में अपने यूज करते हैं. इसलिए इन एग्जाम्स में, इन प्रकार के एग्जाम्स में इस तरीके के वर्ड्स अगर आप तैयार करेंगे तो निश्चित ही आपके काम आ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट कुछ एक और वर्ड्स है देख लें. ये वर्ड्स आपके हैं टैकलिंग. जब भी आप टैकलिंग करते हैं या टैकल करते हैं तो आप सामना करते हैं, आप उसे संभालने की कोशिश करते हैं बच्चों. यानी टैकलिंग का मतलब यहां पे कन्फ्रंटेशन या फेसिंग, अर्थात उसका सामना. टैकल में सामना करना होता है. नेक्स्ट है हार्ट रेंडिंग. मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य आप देख रहे हैं जो आपके दिल को दहला दे रहा है, बहुत हताश कर दे रहा है आपको, तो वो दृश्य, वो सीन जो है वो क्या है? हार्ट रेंडिंग है बच्चों, अर्थात वो डिस्ट्रेसिंग है, डिसअपॉइंटिंग है, मींस क्या है वो? निराशाजनक है वो. नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रॉन्डेड, जो अक्सर आप सुनते होंगे. जैसे अभी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे वो दिल्ली में फंस गए थे, मुंबई में फंस गए हो, और सरकार उनको नहीं ले आ रही हो, तो वहां पे मजदूर क्या हो गए? बिल्कुल स्ट्रॉन्डेड हो गए, मींस असहाय हो गए, फंस गए वहां पे वो. तो स्ट्रॉन्डेड मीन्स फलॉर्न या लोनली, अर्थात फंसे हुए, बिल्कुल असहाय. नेक्स्ट वर्ड है कम फुल सर्किट. कोई चीज अपनी जिस अवस्था में अभी है वो उस अवस्था से वापस अपनी पास्ट के कंडीशन में वापस चली जा रही है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? कम फुल सर्कल, अर्थात पहले की स्थिति में वापस आ जाना. नेक्स्ट है पैंडेमिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पैंडेमिक ऑल इम्ब्रेशिंग, अर्थात जो सभी लोगों को अपनी चपेट में ले ले, वो महामारी होती है. वैसे आप में ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कहीं पर भी ये जो पी ए एन पैन प्रीफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ हो उसकी मीन्स होता है सर्वत्र, सर्व. ये पैन वो पैन मत समझ लीजिएगा बच्चों जो पी ए एन परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो नहीं. ये पैन पी ए एन, इसी से पैंटिसोक्रेसी बना है आपका, इसी से पेनेशिया आपका बना है. तो पैंडेमिक ऑल इम्ब्रेसिंग, महामारी. लेकिन मुझे पता है जो बच्चे आप में अच्छे होंगे उनके मन में कुछ चीजें चल रही होंगी कि सर अगर पैंडेमिक होता है तो फिर एंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है. मैं चाहूंगा तीनों चीजों को आप अच्छे से समझ लें. देखिए पैंडेमिक क्या होता है? जो सर्वत्र व्याप्त हो, यानी सभी जगह जो चीज उपस्थित हो, व्याप्त हो, वो पैंडेमिक है. जैसे ये कोरोना की जो डिजीज है ये पैंडेमिक है, पूरे विश्व भर में चल रहा है ना, तो फिर ये पैंडेमिक हो गया. लेकिन एंडेमिक क्या होता है? किसी एक विशेष क्षेत्र या विशेष वर्ग के रूप में अगर वहां पे व्याप्त है तो वो एंडेमिक होता है. तो फिर एपिडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक क्या होता है?
एक क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादातर लोगों पे जो अपना प्रभाव डालता है वो एपिडेमिक होता है। कम समझ में आया? चलिए फिर समझते हैं। पैंडेमिक क्या होता है? सारे पूरे विश्व भर में हर तरफ फैला हुआ, ये पैंडेमिक है। एंडेमिक क्या है? एक विशेष वर्ग विशेष जगह पे जो फैला हुआ है वो एंडेमिक है। तो एपिडेमिक क्या है? उस जगह पर कुछ विशेष यानी ज्यादातर लोगों पर जो अपना प्रभाव डाल रहा हो वो एपिडेमिक होता है। ठीक है, चलिए। और लास्ट वर्ड आपका है अनप्रेसिडेंटेड। जैसे बहुत सारे निर्णय होते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, मीन्स क्या होते हैं? अभूतपूर्व होते हैं, अनमैच्ड होते हैं, मीन्स क्या होते हैं? वो यूनिक होते हैं, मीन्स बेमिसाल होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया होगा, ये वर्ड जरूर तैयार कर लें। अब हम आते हैं सीधे अपने पैसेज पर, जो हमारा मेन टारगेट है, ये जो हमें पढ़ना चाहिए, यहां किस तरीके से हमको तैयार करना है। समझ रहे होंगे? एक मिनट बस। चलिए, हो गया मेरा काम, और अब हम शुरू करते हैं ये अपना पैसेज। जो भी बच्चे नए जुड़े हो वो तब तक सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक कमेंट करना न भूलें, शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य बच्चों तक भी पहुंचता रहे। चलिए शुरू से देखते हैं, और ये सामने हमारे है हमारा एडिटोरियल, जो हमारा मेन टारगेट हमने कहा प्रणाम को अच्छे से है, तो शुरू से देखते हैं आप इसे। करें विद द ग्लोबल एंड नेशनल ऑर्डर इन रीसेट मोड, इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर द स्टेट टू इग्नोर इट्स क्रोनिक इश्यूज। यहां दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आप समझ लें। एक जो मैंने आपको बताया ग्लोबल, आपको याद हो गया होगा, वैश्विक, जो दुनिया भर से संबंधित हो वो ग्लोबल है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप जानते होंगे, ग्लोबल क्राइसिस को ये, जैसे कोरोना क्या है, ग्लोबल क्राइसिस है। और दूसरा वर्ड जो आपको जानना है क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स पुराना, जेड़ो, जैसे हमने कहा कोई क्रोनिक डिजीज है तो बहुत पुराने बीमारी। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हमको पढ़ना है। विद द ग्लोबल एंड नेशनल ऑर्डर, यानी जब हमारी वैश्विक और राष्ट्रीय व्यवस्था प्रणाली इन रीसेट मोड, किसमें आ गई है? अपनी पुनर्वस्था में, यानी शुरुआती अवस्था में आ गई। यानी जब हमारी ग्लोबल और राष्ट्रीय, यानी वैश्विक और राष्ट्रीय व्यवस्था अपनी पुरातन यानी शुरुआती अवस्था में आ गई है, रीसेट मोड में आ गई है, तो इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। देखिए यहां पे सिंगुलर था ना, ऑप्शन सिंगुलर है, और इसके पहले एक एडजेक्टिव है, तो आपने एन जो है वो एन लॉन्गर से पहले नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर नो का प्रयोग था, तो यहां नो एन या नो अ लॉन्गर ऑप्शन ही हुआ। क्या हो जाएगा? नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर द स्टेट, यानी अब राज्य की ऐसे, राज्य के पास ऐसी कोई विकल्प, ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है टू इग्नोर, कि वो क्या कर सके, इग्नोर कर सके, यानी वो अस्वीकृत कर सके, मीन्स नजरअंदाज कर सके इट्स क्रोनिक इश्यूज, किनको? अपने पुराने मुद्दों को। इश्यूज जानते होंगे, जब इश्यूज लग गया तुरंत समझ जाए मुद्दे के सेंस में है, क्योंकि इश्यू मीन्स तीन होता है, इशू मीन्स संतान होती है, जिसका कभी प्लूरल ना बनाए, इशूज ना बनाए, इशू मीन्स मुद्दा होता है, जिस इशू का प्लूरल इशूज होता है, और इशू मीन्स जारी करना, निर्गत करना भी होता है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं हम पूरा हेडिंग जो हमारी है। कह रहे विद द ग्लोबल एंड नेशनल ऑर्डर इन रीसेट मोड, यानी हमारी वैश्विक और राष्ट्रीय व्यवस्था के रीसेट मोड में यानी पुरातन अवस्था में आने के बाद इट इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन फॉर द स्टेट, यानी राज्य के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है टू इग्नोर इट्स क्रोनिक इश्यूज, कि यह अपने अपने पुराने मुद्दों को क्या कर सके, नजरअंदाज कर सके, यानी उससे बच सके। यानी सिंपल सा है, यानी हमारी वैश्विक और राष्ट्रीय व्यवस्था इस कगार पे आ चुकी है कि अब राज्य के लिए, स्पेशली यहां एस कैपिटल है, मीन्स ये एक विशेष राज्य बिहार की बात कर रहे हैं, तो अब बिहार के लिए अपने पुराने मुद्दों को नजरअंदाज करना क्या नहीं होगा, आसान नहीं होगा, मीन्स उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं।
शुड। बच्चों जैसे ही कोई वाक्य शुड से आरंभ हो तो आप तुरंत समझ जाए उसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ हो सकता है उसका चाहिए और एक अर्थ हो सकता है उसका यदि। यदि शुड से आपकी क्लास शुरू हो, वाक्य शुरू हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो तो तुरंत समझ जाए शुड मीन्स यदि होता है, और यदि शुड से वाक्य शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो फिर तुरंत समझ जाए वो वहां पे चाहिए के सेंस में इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो यहां अगर आप देखेंगे तो शुड के साथ यहां आकर खत्म हो रहा है किस सेंस में, क्वेश्चन मार्क सेंस में। इसका मतलब शुड का मतलब यहां क्या के सेंस में और चाहिए जुड़ जाएगा। चलिए, शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, मैंने कहा था ना बिहार के सेंस में, शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गेट, पहले यही देख लें। जैसे ही कभी कोई मॉडल का प्रयोग करें तो भूल के भी कभी शुड के या किसी मॉडल के साथ क्रिया की सेकंड या थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म ना यूज करें। मैंने कल किसी वीडियो में एग्जांपल दिया था कि जैसे हम अपनी मम्मी, अपनी अम्मा को रख लेते हैं, हम उनके इस तरफ खड़े हो जाते हैं और हमारी माँ इस तरफ है, और इधर से कितने भी ओले, कितने भी बर्फबारी, कितने भी तूफान, कितनी भी आग आए बच्चों, लेकिन आपकी मम्मी के रहते आप पर वो कभी आंच नहीं आने देंगे। सही है ना? यानी अगर मम्मी वहां पे है जब तक, तब तक आपके ऊपर कभी कोई आंच नहीं आएगी। वैसे ही अगर यहां पर आप मॉडल ले तो इसके बाद जो आप वर्ब लेंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। इधर प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट कुछ भी रहे बच्चों, लेकिन इधर कभी वर्ब को बदलने की कोशिश ना करिए। मॉडल के साथ किसी भी सूरत में वो अपनी फर्स्ट फॉर्म को मेंटेन करेगा। हाँ, अगर वो पैसिव वॉइस है तो उस मॉडल के बाद बी जुड़ेगा ना, तो बी तो फर्स्ट फॉर्म ही होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए देखें। तो शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गेट, यानी क्या बिहार की सरकार को गेट प्राप्त करना चाहिए द बेनिफिट ऑफ डाउट, किससे, इसको संदेह के लाभ, यानी कहीं कहीं एक संदेह के लाभ को क्या बिहार की सरकार को लेना चाहिए, और शुड इट एलॉन्ग विद, आपको याद होगा बच्चों जब एलॉन्ग विद, टुगेदर विद, विद, लाइक, बट, देन, व्हाट, इन कंपैरिजन टू, एज वेल एज वगैरह का प्रयोग करते हैं, और भी है अगर आपको याद हो, लेड बाय, गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कॉल्ड बाय, ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। तो आर या शुड इट अलोंग विद इट्स पॉलिटिकल पार्टनर, यानी अपने पॉलिटिकल पार्टनर, यानी जो इसका राजनीतिक पार्टनर है, साथी है, कौन, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार है, शुड इट नॉट बी हेल्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल, तो क्या इसे अकेले ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस टुडे, अपनी अपने बेकार यानी खराब प्रदर्शन के लिए। मैं जानता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आएंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगा हम अपनी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें। देखें ध्यान से बच्चों, यहां देखिए शुड के बाद क्या था, गेट फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन यहां देखिए शुड के साथ क्या है, ये देखें बी हेल्ड है ना, बी हेल्ड, शुड यहां था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी ना, लेकिन कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा। दो ही अवस्थाएं हैं नॉर्मली, यानी मॉडल के साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो वो एक्टिव वॉइस है, और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं तो फिर वो पैसिव वॉइस होता है। तीसरी अवस्था है मॉडल प्लस बी प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव वगैरह यूज कर रहे हैं। चलिए फिर से देखते हैं बच्चों, देखिए अगर मैं चाहूं तो तेजी से पढ़ा करके जल्दी से अपना बैच खत्म कर सकता हूं, ये आपके लिए, यानी वीडियो जल्दी खत्म कर सकता हूं और आपका श्रेय ले सकता हूं, क्रेडिट ले सकता हूं, सर बहुत जल्दी आपने पढ़ा दिया, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा। जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं वो तो तुरंत ही समझ लें, उन्हें ये सीखना होगा धीरे धीरे कि हम कैसे पढ़ते हैं, इसलिए मैं समय लेता हूं। नहीं तो मेरे लिए देखिए बहुत आसान है, शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट और शुड इट अलोंग विद इट्स पॉलिटिकल पार्टनर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बी हेल्ड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस टुडे, और मैं हिंदी जल्दी से बता दूंगा आपको, क्या बिहार की सरकार को डाउट का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, या फिर इसे अपने पॉलिटिकल पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इसे खराब प्रदर्शन के लिए। लेकिन इससे आप नहीं समझेंगे बच्चा, इससे आपको मुश्किल आएगी, इसलिए मैं समय लेता हूं। ठीक है, देखें
कोई भी पिता होता है बच्चों, वो जैसा भी है, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं ना, उनके लिए वो हमेशा चाहता है बेस्ट करके वो अपना दे। ठीक है, देखें तो शुड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी जो इसके एडिटर हैं एडिटोरियल के, वो पूछ रहे हैं कि क्या बिहार की सरकार को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, यानी संदेह का लाभ मिलना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए, आर या शुड इट। जब बच्चों आर से कोई क्लास जोड़ी जाए तो वो कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेट क्लास होती है, आर या शुड इट। आपको पता है अगर पढ़ना है आपको तो ये शुड इट जोड़ दे बच्चों, शुड इट किससे जोड़े, शुड इट बी हेल्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल, ये है। लेकिन इसके साथ कुछ क्लाजेज जोड़ी गई हैं, कुछ फ्रेजेज जोड़ी गई, कैसे देखें, शुड इट अलॉन्ग विद इट्स पॉलिटिकल पार्टनर, यानी अलॉन्ग विद मीन्स के साथ, ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स पॉलिटिकल पार्टनर, यानी अपने राजनीतिक साथी के साथ साथ, जो साथी कौन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो केंद्र सरकार है, यानी या फिर इसे अपने साथी राजनीतिक साथी केंद्र सरकार के साथ नॉट बी हेल्ड सोली रिस्पॉन्सिबल, क्या इसे अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस टुडे, जो आज ये कैसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पुअर परफॉर्मेंस मीन्स खराब प्रदर्शन हो रहा है, ये कहने की वजह समझ लेंगे कोरोना है, क्योंकि बिहार की अवस्था जो है वो खराब होती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द सेंटर्स, देखिए जब भी सेंटर आप केंद्र सरकार के रूप में यूज करेंगे तो सी देखिए कैपिटल यूज हो गया, और चूंकि एक संस्था है इसलिए इसके पहले क्या लग गया, द लग गया। तो द सेंटर्स मच टाउटेड स्पिरिट, यानी जो केंद्र सरकार की मच टाउटेड स्पिरिट, यानी जो बहुप्रचारित भावना है, कौन सी भावना, ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि जो केंद्र है वो राज्यों के साथ क्या है, कोऑपरेटिव है, सहयोगात्मक है, यानी केंद्र सरकार की जो बहुप्रचारित भावना है, कौन सी भावना, ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि वो राज्यों के साथ क्या है, बहुत अधिक सहयोगात्मक रुख अख्तियार करता है, वो सेंटर की मस्ट राउटेड स्पिरिट जो है हैज बीन नथिंग, वो कुछ और नहीं रही बच्चों, मोर देन अ हॉलो प्रॉमिस, केवल एक खोखले वचन से ज्यादा, यानी एक खोखले वचन से ज्यादा कुछ और नहीं है क्या, सेंटर की वो मच ट्राउटेड स्पिरिट, यानी सेंटर की वो केंद्र सरकार की बहुप्रचारित भावना, कि वो ऐसा फेडरलिज्म निभाता है, एक ऐसा संघवाद निभाता है जिसमें वो राज्यों के प्रति क्या रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, सहयोगात्मक रहता है, या पैसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। केंद्र सरकार अक्सर कहती है कि हम राज्यों के साथ सहयोगी की भूमिका निभाते हैं, हमारा पूरा उनको समर्थन होता है। तो लेखक यानी एडिटर कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बात, ये जो प्रॉमिस किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि वो राज्य सरकार का हर हाल में समर्थन करेगा, साथ देगा, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक हॉलो प्रॉमिस है बच्चों, यानी वो कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग, यानी हैज बीन नथिंग, या कुछ और नहीं रहा है, मोर देन अ हॉलो प्रॉमिस, केवल एक खोखले वचन, वायदे से ज्यादा। यानी अगर केंद्र सरकार ये राज्यों से कहता है कि हम आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए करबद्ध हैं, मीन्स वचनबद्ध हैं, तो उनका ये कहना केवल एक जुमला है बच्चों। देखें आगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप बुरा ना माने, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिएगा आगे, देर इज अ ग्लेरिंग गैप, देर इज अ ग्लेरिंग गैप, मैंने कहा था जब भी देर का प्रयोग करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेंगे वो हमेशा आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो यहां देखिए ग्लेयरिंग और ग्लेयरिंग गैप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका, इसलिए यहां पे इस ले लिया गया, और यहां देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन था इसलिए ए ले लिया गया। तो देयर इज अ ग्लेयरिंग गैप, यानी एक अस्पष्ट अंतर है, विरोधाभास है, मीन्स दूरी है, बिटवीन, देखिए यहां बिटवीन का मतलब समझ जाइएगा बच्चों, दो ही लोगों के बीच की बात होगी, बिटवीन स्टार्क ग्राउंड रियालिटीज, यानी जो सरासर जमीनी हकीकतें हैं, एंड और प्रोपोगेंडा, और जो प्रचार प्रसार किया जाता है वो, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक और चीज समझा दूं ग्रामर के सेंस में बच्चों। एग्जाम में आपको याद होगा, जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, बट एक्सरसाइजेज वगैरह ज्यादा कर रहे होंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता चलूं,
आज शाम से ही 7 बजे मेरे वर्ब के कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। वो भी आपका वर्ड प्रीमियर के रूप में ही होगा। अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं तुरंत ही आपको जवाब भी दूंगा। तो ये आज जरूर ज्वाइन करें 7 बजे मेरा, और इस 7 सेगमेंट्स में संजोग से मैंने बनाए हुआ वर्ब के कॉन्सेप्ट पे, जिनमें मैंने कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिया होगा। इसके बाद जब ये 7 पार्ट्स आप तैयार कर लें वर्ब के कॉन्सेप्ट पे, तो इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पूरा आपको प्रिपेयर करा दूंगा। प्रॉमिस है मेरा बच्चों, ये प्रॉमिस वो हॉलो प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस है मेरा। देखें करें, देयर इज अ ग्लेरिंग। दूसरी चीज मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये देखिए, बिटवीन का जो कॉम्बिनेशन होता है एग्जाम में आपको वो टू या फ्रॉम वगैरह लगा दिया जाता है, लेकिन बिटवीन का कॉम्बिनेशन नॉर्मली क्या होता है याद करें, एंड होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बिटवीन अगर दिया गया है तो एंड से जोड़िएगा, न कि टू से। जैसे ही कम्स हियर बिटवीन 10 AM टू 5 PM, गलत है बच्चों। ही कम्स हियर बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, अगर आपको टू से लगाव है ना, तो आप दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक शब्द इधर ले सकते हैं फ्रॉम। तो ही कम्स हियर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, या ही कम्स हियर फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM, इस तरह आप कर रहे थे, ठीक है। तो यहां बिटवीन का कॉम्बिनेशन एंड से है। करें, देयर इज अ ग्लेयरिंग गैप, यानी एक अस्पष्ट क्या है, दूरी कहीं गैप है बिटवीन स्टार्क ग्राउंड रियलिटीज, किनके बीच में, जो जमीनी हकीकतें हैं, एंड प्रोपोगेंडा और प्रचार प्रसार, यानी जो सरकार, केंद्र सरकार जो प्रचार करती कहती है उसके बीच, और जो हमारी जमीनी यानी सरासर जो जमीनी हकीकतें हैं उनके बीच में इज अ ग्लेयरिंग गैप, क्या है, अस्पष्ट अंतर है। अच्छा लग रहा होगा आपको पैसेज ये, क्योंकि आप समझ रहे होंगे और ये ज्यादातर वर्ड्स आपके एग्जाम में भी काम आने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फेडरल सिस्टम, यानी भारत की जो फेडरल सिस्टम यानी जो संघीय व्यवस्था है, देखिए सिस्टम यहां नाउन है बच्चों ना, तो इसके पहले फेडरल लगाया गया, मींस यहां पे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। फेडरलिज्म क्या था, नाउन। तो इंडियाज फेडरल सिस्टम यानी भारत का जो फेडरल से, अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा हो कि सर फिर अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपका सिस्टम, इसके पहले एडजेक्टिव है, तो ए क्यों नहीं लगाया गया, हमेशा याद रखिए कभी भी पॉजेसिव केस के बाद आप ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आप ये नहीं लिख सकते इंडियाज अ फेडरल सिस्टम, जैसे आप नहीं लिखते हैं माई अ गुड फादर, गलत है ना, माई गुड फादर। देखे तो इंडियाज फेडरल सिस्टम, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इज बैडली चैलेंज्ड। अगर आप पूछा यहां बैड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चैलेंज्ड क्या, यहां पे वर्ब है, और वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर को हमेशा वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है, हमेशा मीन्स नॉर्मली। देखें सब समझते चलें, आगे हमेशा आपके काम आएगा यदि आप मेरे से अच्छे से पढ़ते हैं समझ करके। करें, इंडिया फेडरल सिस्टम यानी भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इज बैडली चैलेंज्ड, वो बुरी तरह से चुनौती का सामना कर रही है टुडे आज विद पार्टीशन गवर्नर्स, किनके साथ, यानी ऐसे गवर्नर्स जो कहीं कहीं पार्टीशन है, याद हो गया पार्टीशन आपको, पार्टीशन मीन्स पक्षपाते, जो पार्शियल होते हैं वो पार्टीशन होते हैं, जो कहीं कहीं पार्शियलिटी शो करते हैं। तो इंडियाज फेडरल सिस्टम, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इज बैडली चैलेंज्ड टुडे, आज वो एक बड़ी चुनौती का, बुरी तरह से चुनौती का सामना कर रही है विद पार्टीशन गवर्नर्स, जहां पे जो गवर्नर्स हैं वो कहीं कहीं पक्षपाती हैं, मिसप्लेस्ड पॉलिसीज, और किस चीज का सामना कर रही है संघीय व्यवस्था, मिसप्लेस्ड पॉलिसीज, यानी गलत तरीके से नीतियों का, जो नीतियां रखी जा रही उनका सामना कर रही है, एंड लैंग्वेजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, और सुस्त पड़ी हुई आर्थिक जो हमारी असिस्टेंस है, सहायता है, उसका सामना कर रही है। आप ये समझ सकते हैं बच्चों अपने सेंस पे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो जो कहना समझ रहे होंगे कि भारत का जो संघीय प्रणाली सिस्टम है वो आज एक बड़ी चुनौती का सामना करे, कौन सी, विद पार्टीशन गवर्नर्स, ऐसे गवर्नर्स जो पक्षपाते हैं, आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रहे होंगे, यानी से केंद्र में मान लीजिए आज भाजपा की सरकार है, तो जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में वह कहीं कहीं पक्षपात करते हैं उन सरकारों के साथ जो सरकारें राज्य सरकार के रूप में किसी और पार्टी के होते हैं। फिर मिसप्लेस्ड पॉलिसीज क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि मिसप्लेस्ड पॉलिसीज का मतलब इनके कहने में तो कुछ गलत नीतियां। आप समझ सकते हैं जैसे मोदी जी कुछ नीतियों की आलोचना की जाती है कि जो उनकी व्हाट जीएसटी की पॉलिसी थी और जो डी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी कहीं कहीं वो गलत थी। क्या और भी कुछ नहीं तो लोग आलोचना करते हैं लेकिन वो वहां पर कहीं कहीं सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं। समझ रहे होंगे सेलेक्टिव अप्रोच, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो सही है। देखें तो हो गया, और किस चीज का सामना करिए, लैंग्विशिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कहीं कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है समझ रहे होंगे वो सुस्ती की तरफ जा रही है, सब चीजों की हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसका सामना कर रही है। बिहार इज नो एक्सेप्शन, बिहार इसका कोई भी क्या नहीं है, अपवाद नहीं, यानी बिहार इससे अछूता नहीं। बिहार में भी कहीं कहीं यही स्थिति है, गलत नीतियों का वो शिकार हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ये नेक्स्ट फैसला आपका है, स्टेट्स यानी राज्य इंक्लूडिंग बिहार, किनको लेकर के, बिहार को लेकर के, चूंकि यहां बिहार दिया गया था इसलिए द स्टेट्स यहां द स्टेट नहीं लगाया गया। स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार यानी बिहार जैसे राज्यों को लेकर के हैव बीन इन द थ्रोस। देखिए एक ग्रामर देख लिया, जब भी कभी इंक्लूडिंग का प्रयोग हो, जब भी एक्सक्लूडिंग का प्रयोग है, जब भी विद का प्रयोग है बच्चों, जब भी अलॉन्ग विद का प्रयोग है, जब भी टुगेदर विद का प्रयोग है, जब भी एज वेल एज का प्रयोग है, जब भी इन एडिशन टू का प्रयोग है, जब भी इन कंपैरिजन टू का प्रयोग है, जब भी लाइक का प्रयोग है, जब भी बट का प्रयोग है, जब भी देन का प्रयोग है, जब भी गवर्न्ड बाय, लेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कॉल्ड बाय का प्रयोग है, तो आप कभी भी बाद वाले के अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं लीजिएगा बच्चों, हमेशा पहले वाले के अनुसार लीजिएगा। किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे वो जरूर बताएंगे। तो हमारे जो वर्ब चले किसके अनुसार चलेगा, स्टेट्स के अनुसार। देखिए हैव बीन यहां पर इसलिए लगाया गया। देखें करें स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार, इंक्लूडिंग बिहार यानी बिहार को लेकर, यानी बिहार को लेकर के जो राज्य हैं वो राज्य हैव बीन, जब भी हैव के बाद बीन हो और एक्शन वर्ब ना आए तो रहे हैं या हुए हैं, ये सेंस। यहां हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीन आपकी मेन वर्ब है और ये टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। देखें तो स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार यानी बिहार को लेकर के, बिहार को शामिल करके जो राज्य है हैव बीन इन द थ्रोज, वो किसमें है, संकट में है, ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, किस संकट में, राजनीतिक दबाव के, फ्रॉम बिफोर, पहले से। अब देखिए हिंदी समझ गए होंगे, रहे हैं। तो जो राज्य है बिहार के साथ साथ जो अन्य राज्य भी हैं वो राज्य हैव बीन इन द थ्रोज, वो संकट में रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कहीं कहीं आर्थिक दबाव के, फ्रॉम बिफोर, पहले से, पहले से ही बिहार जैसे कई राज्य जो अन्य राज्य में है वो आर्थिक संकट में, आर्थिक दबाव के संकट को फेस करते रहे हैं। द नॉवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक, और ऐसी अवस्था में ये जो नया नया, नॉवेल मीन्स नया, नॉवेल मीन्स उपन्यास भी होता है और नॉवेल मीन्स नया भी, न्यू भी होता है। तो द नॉवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक, ये जो नया कोरोना वायरस का आउटब्रेक है यानी प्रकोप है, इसकी जो शुरुआत है, आरंभ है, विस्फोट है, तो ये जो नया नया कोरोना वायरस का प्रकोप है एंड और द नेशनल लॉकडाउन, और ये जो राष्ट्रीय लॉकडाउन है यानी कहीं कहीं चीजों को, कई सारी चीजों को बंद कर दे, शट डाउन करने की अवस्था है, ये दोनों चीजें, कौन सी दोनों चीजें, द नॉवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक और जो नेशनल लॉकडाउन है, दोनों चीजें हैव, इसलिए प्लूरल लिया गया, हैव फर्दर वीकेंड, देखिए वीकेंड में ईडी जोड़ करके थर्ड फॉर्म बनाया गया और वीक में ई एन जोड़ करके वर्ब बनाया गया, जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट एक एडजेक्टिव है तो शॉर्ट से शॉर्टेन, छोटा कर देना, ब्लैक से ब्लैकेन, काला कर देना, व्हाइट से व्हाइटेन, सफेद कर देना, और भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसे जैसे करेज है तो एनकरेज, साहस बढ़ा देना, ठीक है, ऐसे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज होता है। देखें करें द नॉवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड द नेशनल लॉकडाउन, और जो राष्ट्रीय लॉकडाउन है
हैव फर्दर वीकेंड, इन्होंने कमजोर कर दिया और देयर उनके फिस्कल पोजीशन, फिस्कल याद है आपको आर्थिक, यानी उनके वित्तीय उनकी राजकोषीय अवस्था को स्थिति को और अधिक क्या कर दिया है, वीकेंड कमजोर कर दिया है। किसने? इस नेशनल लॉकडाउन ने और द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक ने, यानी इस कोरोना वायरस की शुरुआत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में जब भी इनफैक्ट लिख हमेशा कॉमा दे दें, इनफैक्ट और दोनों को अलग अलग हमेशा लिखें। इनफैक्ट बिहार इज स्टिल वेटिंग फॉर द एलुसिव स्पेशल स्टेटस। बिहार इज स्टिल वेटिंग, मैंने पिछली बार भी कहा था एडिटोरियल में, स्टिल मीन्स यहां बीच में रहेगा, तो अभी भी, अभी तक। बच्चों बहुत सारी वर्ड जो एडिटोरियल में पढ़ते हैं रिपीट होते रहते हैं, आप देखेंगे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, आपकी वर्ड पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट वास्तव में बिहार इज स्टिल वेटिंग, बिहार अभी भी इंतजार कर रहा है फॉर द एलुसिव स्पेशल स्टेटस, उस मायावी यानी उस धोखे से भरे हुए स्पेशल स्टेटस का, यानी विशेष स्तर, यानी जो विशेष स्टेटस है, विशेष अवस्था है, उसका अभी भी बिहार क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। दैट जो विशेष स्टेटस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड प्रॉमिस्ड, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, वायदा किया था ड्यूरिंग इलेक्शंस। कब? कब? इलेक्शंस, आम लोकसभा के चुनावों के दौरान, एंड और अगेन और फिर दोबारा सून आफ्टर नीतीश कुमार फॉर्म द गवर्नमेंट विद द भारतीय जनता पार्टी, और तब भी उन्होंने वायदा किया था जब उसी के कुछ समय बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के क्या बनाई थी, फॉर्म की थी, सरकार बनाई थी। तो जो स्पेशल स्टेटस देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी वो अलुसिव रही, अलुसिव मींस जो जल्दी पकड़ में ना आए, आपके दूर दूर ही रहे। यहां एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, देखिए यहां पे ये लिखा है ना द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर केवल लगाया गया, लेकिन इनके पहले द न लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि यहां प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया गया। कभी भी अगर आप केवल प्राइम मिनिस्टर लिखें तो द लगा दें, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुडे, लेकिन अगर आप नाम दे दें द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग टुडे तो गलत हो जाए, क्योंकि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, करते हैं बट कुछ अवस्थाओं में, जैसे ही इज द गांधी ऑफ वॉट अफ्रीका, ऐसी अवस्थाओं में करते हैं। देखें करें, इट हैज सैडली, यानी ये दुख की बात, ये एडवर्ब है आपके यहां पे, सैडली दुख की बात है कि इट हैज प्रूव्ड टू बी अनदर जुमला, ये एक अन्य जुमला साबित हुआ है, एक अन्य जुमला याद है आपको। चलिए ये पैसा आ गया आपका, बिहार हैज हैड, जैसे देखिए हैज के बाद हैड आया और फिर एक नाउन आ गया, इसका मतलब यहां पे हैड क्या है आपकी, हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है, क्योंकि हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री यानी लंबा इतिहास होना इस सेंस में, तो बिहार हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी बिहार का एक लंबा इतिहास रहा है ऑफ सफरिंग, किससे, इसका कष्टों का, दुखों का, मुसीबतों का, बिकॉज ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ बाद हमेशा कोई नाउन या नाउन फ्रेज आएगा, बिकॉज ऑफ अ परसिस्टिंग फ्यूडल पॉलिटिकल कल्चर, इतना बड़ा देखिए वाक्य आपका, ठीक है, ये आपको पता है, जैसे कल्चर क्या है आपका नाउन है, तो पॉलिटिकल क्या है एडजेक्टिव है, तो फ्यूडल क्या है आपका ये डिटर्मिनर है, तो परसिस्टिंग क्या है ये भी डिटर्मिनर है, तो ए क्या है आर्टिकल है, ये भी डिटर्मिनर में ही आ सकता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाए, आर्टिकल प्लस डिटर्मिनर प्लस डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब भी हो सकता है, फिर एडवर्ब हो सकता है, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन का स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेकर के आप चल सकते हैं। चलिए, तो बिहार हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सफरिंग, बिहार मुसीबतों का उसका एक लंबा इतिहास रहा है, बिकॉज ऑफ अ परसिस्टिंग फ्यूडल पॉलिटिकल कल्चर, क्योंकि वहां पे कैसी संस्कृति रही, कैसी व्यवस्था रही, अ परसिस्टिंग निरंतर फ्यूडल सामंती पॉलिटिकल राजनीतिक, यानी वहां पर निरंतर एक सामंती राजनीतिक संस्कृति रही है, दैट
जिस संस्कृति ने नेग्लेक्टेड नजरअंदाज किया एफर्ट्स उन प्रयासों को टू क्रिएट इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज जिनमें औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करना था एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने थे इन द स्टेट राज्य में कौन से राज्य में बिहार में ठीक है समझ रहे होंगे इजी है बच्चों कॉन्सिक्वेंटली ये भी एडवर्ब आपका है परिणाम स्वरूप ठीक है कॉन्सिक्वेंटली एक एडवर्ब ऑफ रीजन होता है तो कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द एक्सोडस यहां एक्सोडस नाउन के रूप में है द एक्सोडस ऑफ लेबर यानी जो श्रमिकों का एक्सोडस था मीन्स उनका बहिर्गमन था बिहार को छोड़कर के जाने का कार्य था हैज ये हैज किसकी वजह से एक्सोडस की वजह से ठीक है एक्सोडस तो वो जो श्रमिकों का परगमन था गमन था वहां से प्रस्थान था वो एक्सोडस हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल वह एक नई रीति बन चुकी है सिंस द 1990s कब से 1990 के दशक से क्योंकि 1990 के दशक की बात कर रहे हैं इसीलिए यहां पे क्या लगा दिया गया द लगा दिया गया बच्चों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं डिस्पाइट बहुत बार आपके एग्जाम में डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है जो बच्चे नए हैं मॉडरेट लेवल पे हैं वो कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ देखें तुरंत समझ जाए वो पोर्शन गलत है या तो डिस्पाइट अकेले होगा या डिस्पाइट के स्थान पर इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा के बावजूद ठीक है करें डिस्पाइट द फैक्ट यानी इस तथ्य के बावजूद दैट की कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड ओवर ब्रिजेस कि नई सड़कें और नए ओवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन यानी उनका निर्माण मेड थ्रू सेंट्रल असिस्टेंस जो किसकी सहायता से हुआ सेंट्रल असिस्टेंस यानी एक तरह से केंद्र की सहायता से हुआ इन मिस्टर कुमार्स फर्स्ट टर्म Along with the contractual recruitments, बड़ा हो रहा है फिर से देखें करें despite the fact, इस तथ्य के बावजूद that की construction of new roads and overbridges, कि जो नई सड़कों का और नए नए overbridges का निर्माण था made through central assistance, जो कहीं कहीं केंद्र सरकार कह सकते हैं उनकी सहायता से हुआ in Mr. Kumar's first term, कब Mr. नितेश कुमार के नितेश कुमार जी के पहले टर्म पहले कार्यकाल के दौरान हुआ एलॉन्ग विद द कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट्स किसके साथ साथ जो संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल मीन्स संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल जो संविदा पे भर्तियां हुई विशेष रूप से किन में स्कूलों में ठीक है वो जो इस तथ्य के बावजूद कुड ड्रा अ फ्यू एक मिनट बस देखें could draw a few migrants back to the state. यानी सच है कि कुछ सड़कों का निर्माण हुआ कुछ ओवर ब्रिजेस का निर्माण हुआ और नीतीश कुमार जी के पहले कार्यकाल के दौरान could draw a few migrants back to the state. उसकी वजह से कुछ migrants जो थे पलायनवादी थे यानी जो बाहर गए हुए थे मजदूर वगैरह वो राज्य में वापस आ गए लेकिन the situation on the migration front, लेकिन कहीं कहीं migration के front पर migrate means पलायन करना यानी कहीं कहीं पलायन के मोर्चे पर रिमेंड ग्रिम हो ये रिमेंड किसके लिए है सिचुएशन के लिए यानी जो अवस्था है वो अभी भी बनी हुई है क्या ग्रिम ग्रिम याद है भयंकर कठिन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ और एक पैसेज दो पैसेज है करें मिस्टर कुमार हैज बीन इन पावर फॉर 15 ईयर्स यहां बीन आपकी मेन वर्ब है मिस्टर कुमार 15 वर्षों से सत्ता में रहे हैं पावर में सत्ता सत्ता में रहे हैं येट फिर भी देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि येट के पहले कामा नहीं दिया जाता है बट आप कामा देते हैं बच्चों दिया करिए करें मिस्टर कुमार हैज बीन इन पावर फॉर 15 ईयर्स मिस्टर कुमार 15 वर्षों से सत्ता में रहे हैं येट फिर भी द फेट ऑफ दीज वर्कर्स इन कामगारों का जो फेट है इनका जो भाग्य है हैज नॉट इंप्रूव्ड उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है देखिए हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है इसी बच्चों है समझ लेंगे आप दे यहां उन माइग्रेंट्स के लिए है मीन्स उन वर्कर्स के लिए है दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल यानी आज भी वो आसानी से मुसीबतों की चपेट में आ जाते हैं एंड
कॉम्पेल्ड टू वर्क, ये कॉम्पेल्ड किसके लिए है, दे के लिए है, ठीक है। यानी दे कंटिन्यू टू बी वल्नरेबल, वो आसानी से मुसीबतों की चपेट में आ जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, एंड और कंपेल्ड टू वर्क विदाउट एनी लीगल प्रोटेक्शन, और बिना किसी कानूनी सुरक्षा के वो कार्य करने के लिए क्या है, वो मजबूर है, बाध्य है। कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड, बाउंड, बाध्य होना। इजी बच्चों, लास्ट पैसेज आपका है, देख लें। ये आपका है द फॉरगॉटन पीपल। मैं इसके यूज को आपको अच्छे समझा सकता हूं, लेकिन फिर कभी अभी आप जान लें कि फॉरगॉटन आपकी वर्ब है आपके, ठीक है, और यहां पे इसे एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो वर्ब के रूप में अलग होती हैं और एडजेक्टिव रूप में अलग होते हैं। जैसे सिंक, सैंक, संक होता है, लेकिन उसका एडजेक्टिव फॉर्म संकेन होता है। वैसे ही फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट होता है, लेकिन उसका एडजेक्टिव फॉर्म फॉरगॉटन होता है। जैसे मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड होता है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म मोल्टेन होता है। ऐसे शेव, शेव्ड, शेव्ड होता है, लेकिन उसका एडजेक्टिव फॉर्म शेवन होता है, ठीक है। ऐसी वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव के रूप में अलग तरीके से काम करते हैं। वैसे ही फॉरगॉटन यहां एडजेक्टिव था, तो आप ये नहीं लिख सकते थे द फॉरगॉट पीपल, गलत है, द फॉरगॉटन पीपल, और इसकी हिंदी ये नहीं है भूले हुए लोग, ऐसा नहीं, अर्थात वो लोग जिन्हें क्या कर दिया गया है, भुला दिया गया है, सरकारों ने उन्हें भुला दिया, किन्हें, वर्कर्स को, माइग्रेंट्स को। देखें द फॉरगॉटन पीपल यानी ऐसे लोग जिन्हें भुला दिया गया है। विद द ग्लोबल पैंडेमिक एंड नेशनल लॉकडाउन, यानी एक तरफ क्या है आपकी वैश्विक महामारी है और दूसरी तरफ नेशनल लॉकडाउन है, राष्ट्रीय स्तर पे सब कुछ शटडाउन की अवस्था में है, बंदी की अवस्था में है, तो कॉजिंग अनप्रेसिडेंटेड लॉस, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड लॉस हो रहा है, लॉस यहां नाउन है बच्चों, अनप्रेसिडेंटेड क्या है, एडजेक्टिव, जिसकी वजह से अभूतपूर्व हानि हो रही है टू लाइव्स, जीवन के लिए यानी लोगों के लिए, एंड लाइवलीहुड्स और उनकी आजीविकाओं के लिए। इसके साथ यानी एक तरफ वैश्विक महामारी है और राष्ट्रीय लॉकडाउन है, ये चीजें जो हमें जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए, उनकी आजीविकाओं के लिए अभूतपूर्व नुकसानदायक हैं। दूसरी तरफ बिहार्स वल्नरेबिलिटीज, बिहार की जो मुसीबतों यानी आसानी से मुसीबतों में आ जाने की जो प्रवृत्ति है, हैव कम फुल सर्किल, वह पुनः अपनी पहले की अवस्था में क्या हो गई है, वापस आ गई, यानी एक तरह से जितने भी विकास हुए, जो भी हुआ, वो सब पहले की अवस्था में क्या हो गए, वापस आ गए। द स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकार है, हैज फेल्ड, वो असफल हो चुकी है टू इंश्योर। देखिए मैंने कहा ना वर्ड्स बच्चों रिपीट होते रहते हैं, पिछले में भी आपने इंश्योर पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं, ऐसे कई वर्ड्स मिलेंगे जो आगे रिपीट होते रहे, इससे आपको याद हो जाएगा। करेंट द स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड यानी राज्य सरकार असफल हो चुकी है टू इंश्योर, सुरक्षित रखने में प्रॉपर इक्विपमेंट, यानी जो उचित इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में एस नहीं जोड़ेगा बच्चों, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, एडवाइसेस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ब्रेड्स नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, पोस्टेजेस नहीं होता है, बैगेजेस नहीं होता है, ड्रेनेजेस नहीं होता है, संतान के समय इश्यूज नहीं होता, ऑफस्प्रिंग्स नहीं होता, आयल्स नहीं होता है, चाक्स नहीं होता है, डर्ट्स नहीं होता है, डस्ट नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, वट स्टेशनरीज नहीं होता है, क्रॉकरीज नहीं होता है, ज्वेलरीज नहीं होता है, और भी नाउन्स हैं जिन्हें आप प्लूरल बनाने से बचें, नॉर्मल सेंस में स्टोन्स नहीं होता है, वट ब्रिक्स नहीं होता है, मार्बल्स नहीं होता है बच्चों, इनसे बचें, ठीक है। तो वैसे इक्विपमेंट्स ना यूज करेगा। करें द स्टेट गवर्नमेंट हैज फेल्ड यानी जो राज्य सरकार है वो असफल हो चुकी है टू इंश्योर प्रॉपर इक्विपमेंट यानी उचित उपकरण को इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को सुनिश्चित करने में टू द पीपल, किनके लिए, लोगों के लिए। बिल्कुल इजी, आगे बढ़े। इट किसके लिए पता है आपको, सरकार के लिए। इट हैज ऑल्सो डेल्ट विद माइग्रेंट्स, इसने जो माइग्रेंट्स थे यानी जो बाहर रहने वाले मजदूर थे,
इनके साथ इसका जो व्यवहार रहा है विद डिस्डेन, वो भी इसने कैसा व्यवहार दिया है, घृणापूर्ण यानी कहीं कहीं तिरस्कार से भरा हुआ व्यवहार दिखाया है, उनको वहीं पर छोड़ दिया उन्हीं के भरोसे। ये स्पष्ट बिहार के केस की बात की जा रही है। देखिए तो इट हैज आल्सो, मैं यहां जो समझाना चाहता बच्चों ये देखिए काम आएगा आपके, डील विद क्या होता है, किन्हीं लोगों से निपटना, सामना करना, व्यवहार करना, या किसी चीज से व्यवहार करना, सामना करना। लेकिन जब आप किसी चीज के व्यवहार की बात, अरे व्यापार की बात करें, तो वहां डील इन हो जाता। जैसे आई डील विद हिम प्रॉपरली, यहां डील विद हिम मैंने लिया, लेकिन आई डील इन गारमेंट्स, ठीक है, डील इन व्यापार के सेंस में, और डील विद अन्य लोगों के साथ, लोगों के साथ, चीजों के साथ, समस्याओं के साथ निपटने के सेंस में। तो इट हैज आल्सो डेल्ट विद माइग्रेंट्स विद डिस्टेंट, यानी जो इसके माइग्रेंट्स हैं दिल्ली मुंबई वगैरह में रहने वाले जो इसके माइग्रेंट्स हैं, कामगार हैं, उनके साथ भी इसने तिरस्कार से भरा हुआ व्यवहार दिखाया है। अ लार्ज नंबर ऑफ बिहारी माइग्रेंट्स, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं या किसी भी टीचर्स पढ़ते होंगे उन्हें जरूर बताया होगा कभी भी, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, अ बिग नंबर ऑफ हो, अ ह्यूज नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। बस ये है कि बाकी सबके साथ प्लूरल वर्ब भी होती है, लेकिन द नंबर, द वैरायटी के साथ सिंगुलर वर्ब आ जाते, ठीक है। देखें करें, अ लार्ज नंबर ऑफ बिहारी माइग्रेंट्स इन दिल्ली मुंबई एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी दिल्ली में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले और देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले जो बड़ी संख्या में बिहारी कामगार हैं, वर लेफ्ट स्ट्रांडेड। देखिए पैसिव वॉइस में है तो वर्ब के, अरे वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। वर लेफ्ट स्ट्रांडेड, उन्हें असहाय छोड़ दिया गया व्हेन द लॉकडाउन टुक इफेक्ट, जब लॉकडाउन प्रभाव में आया, टेक इफेक्ट मींस प्रभाव में आना, लागू होना, यानी जब लॉकडाउन लागू हुआ उस समय उन मजदूरों को जो दिल्ली में थे, मुंबई में थे या देश के अन्य हिस्सों में थे, उन्हें स्ट्रांडेड कर दिया गया, यानी उन्हें असहाय फंसा हुआ छोड़ दिया गया कि तुम जहां हो वहीं पे पड़े रहो। सोच कर देखें बच्चों, राजस्थान में वो बच्चे उस रिजर्व बस से आ सकते हैं, ले मजदूर जो फंसे हुए थे उन्हें वहीं पे छोड़ने के लिए मजबूर हो, रहने के लिए मजबूर हो गए। हो सकता है आपके पास कुछ तर्क हो, लेकिन आप एक लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप समझेंगे कि उन्हें भी लाया जा सकता था। वैसे सरकारें धीरे धीरे कोशिश करें उन्हें ले आने की। देखें करें, सम ऑफ द, सम ऑफ देम, यानी उनमें से कुछ, जब भी सम ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, वन ऑफ हो, अ फ्यू ऑफ हो, फ्यू ऑफ हो, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लें, ठीक है। मोस्ट ऑफ के साथ सिंगुलर भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द एप्पल, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, किनमें से, उन मजदूरों में से, सम ऑफ देम, उन मजदूरों में से कुछ ने ट्राइड, कोशिश की, देयर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने, यानी सब कुछ झोंक देने का, टू स्टे वेयर एवर दे वर, कि वो वहीं पे रुके रहे, वेयर एवर दे वर, जहां पर वो थे, बट फाइनली गिव अप, इन अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। एज अ, क्यों, क्योंकि दे हैड नो मनी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, आर फूड या भोजन नहीं थे टू सर्वाइव, ताकि वो आगे अपना जीवन बचाए रख सके, ठीक है। थोड़ा आसान है, समझ रहे, और ये लास्ट है आपका। देखें, द हार्ट रेंडिंग विजुअल्स ऑफ द पुअर एंड हेल्पलेस माइग्रेंट्स, द हार्ट रेंडिंग विजुअल्स, वो जो निराशाजनक दृश्य थे ऑफ द पुअर, गरीबों के, एंड हेल्पलेस माइग्रेंट्स, और उन सहाय मतलब कामगारों के, डेस्परेटली वॉकिंग, देखिएगा ध्यान से, कल समझाया था मैंने आप बच्चों, ये वॉकिंग यहां मेन वर्ब नहीं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप कैसे इसे बनाए, देखे ऐसे, द हार्ट रेंडिंग विजुअल्स ऑफ द पुअर एंड हेल्पलेस माइग्रेंट्स हु वर डेस्परेटली वॉकिंग, जो बड़ी निराशा, हताश होकर के वॉकिंग फ्रॉम दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन बैक टू बिहार, जो दिल्ली से और एनसीआर से निराश होकर के बैक टू बिहार वॉकिंग, यानी पैदल ही पैदल चल करके आ रहे थे, रिफ्लेक्ट
ये विजुअल्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं द हॉलोनेस ऑफ द स्टेट्स अप्रोच, कि जो यानी ये प्रदर्शित करते हैं राज्य के उस खोखलेपन को टू टैकलिंग अ डिजास्ट्रस डिजीज, कि वो किस तरीके से इस भयंकर बीमारी का क्या कर रही है, सामना कर रही है, एंड और द कॉन्सिक्वेंट लॉकडाउन, और किस तरीके से यह उस परिणामतः लॉकडाउन को फेस कर रही है। आल्सो यहां पे एक चीज है जो मैं कभी आपको समझाऊंगा, टू के बाद टैकलिंग कैसे आया समझेंगे आप, जहां पे आई एम यूज्ड टू गोइंग है ना, ऐसे आगे मिलेगा। आल्सो इसके अलावा सम रिसेंट डेवलपमेंट्स शो, यानी कुछ हाल की जो गतिविधियां रही हैं शो, वो ये प्रदर्शित करती हैं दैट की द गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सेलेक्टिव अप्रोच, कि गवर्नमेंट ने सुविधाजनक मानक को एडॉप्ट किया, अपनाया इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में, यानी आपदा प्रबंधन में सरकार ने कहीं ना कहीं सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया, यानी कहीं पर कुछ किया तो उसी अवस्था में कहीं पर नहीं किया। कैसे देखें, करें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वाइलर एक तरफ एन एमएलए, एमएलए ना एएमएलए, ठीक है, एन एन एसडीओ एन एमएलए, तो एक तरफ क्या है कि एक एमएलए जो है फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, वाज इशूड अ स्पेशल पास, उन्हें एक विशेष पास जारी कर दिया गया टू ट्रेवल टू कोटा, ताकि वो कोटा जा सके इन राजस्थान, राजस्थान में टू ब्रिंग हिज चाइल्ड बैक फ्रॉम देयर, ताकि वहां से वो अपने बच्चे को क्या कर सके, बच्चों वापस ले आ सके, कहां से, कोटा राजस्थान से। तो दूसरी तरफ काउंटलेस अदर्स, अन्य बहुत सारे ऐसे मजदूर वगैरह थे, वर लेफ्ट, उन्हें छोड़ दिया गया टू फेस, कि वो सामना करते रहे सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप एंड अपैथी, उस सामाजिक आर्थिक कठिनाई का और अपैथी अर्थात उदासीनता का। कैसा लगा बच्चों ये दूसरा दिन एडिटोरियल का, अब आपको कुछ और बेहतर समझ में आया होगा, आगे और बेहतर आप समझेंगे, विश्वास करें, रेगुलर पढ़ते रहें, और वर्ड पावर, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स के लिए रेगुलर इन पर जो एक्सरसाइज में बना रहा हूं वो इसे आप सालू करते रहें, हो सकता आज ही शाम को 6 बजे आपको इन पर मैं एक्सरसाइज दे दूं अच्छे तरीके से, तो उस चीज को आप सालू करें, आपको फायदा होगा। और मेरा शाम को 7 बजे से वर्ब के कॉन्सेप्ट पे वीडियो चल रही है, आप उसे देखना न भूलिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और इस टॉपिक के बाद जब 7 टॉपिक्स में पार्ट्स में खत्म हो जाएगा, तो इस टॉपिक के बाद जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर वीडियोस बना करके आपको चैप्टर वाइज दूंगा, तो फिर वो भी आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। आप इसकी वर्ड पावर को देख लीजिएगा, और जो जहां पे मैंने कुछ ग्रामर की चीजें बताई वो देख लीजिएगा, ताकि जब आप एक्सरसाइज करें तो वो चीजें आसान हो सके। जरूर करिए बच्चों, ये मेरा टारगेट है कि आप एडिटोरियल पढ़ना भी सीख लें पैसेज वगैरह को, ताकि धीरे धीरे आपके क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेकीवारिस में आसानी हो, और ये एक्सरसाइज भी करना सीख लें, ताकि आप जब सीजल वगैरह का एग्जाम्स दें तो वहां पे और अधिक नंबर्स आप अक्वायर कर सकें। ओके, कोशिश करिएगा कि चीजें आपकी बेहतर हो। थैंक यू।